झारखंड में आरजेडी के प्रदेश नेतृत्व को बदलने की मांग उठने लगी है। पार्टी के पुराने पदाधिकारियों ने अभय कुमार सिंह से इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और पार्टी के अंदर खत्म होते लोकतंत्र को आधार बताया गया है। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के 1 महीने के बाद भी पार्टी की ओर से हार के कारणों की समीक्षा नहीं की गई, लिहाजा इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह से सीधे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मात्र 3 लोग चला रहे हैं, साथ ही पार्टी में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जो इनको प्रदेश के कार्यकारिणी का बैठक बुला के राय विचार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। नंबर 2 कि जिला अध्यक्षों का बैठक बुला करके चुनाव से पहले विशेष निर्देश देना चाहिए था, वो भी नहीं किए। लोगों को लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। मीडिया के सभी चैनलों में जा करके बोल दिया गया कि सिर्फ एक आदमी का न्यूज छपेगा। तो इस चौथी बात है कि जो हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र था, 7 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का पदाधिकारियों का जिम्मेवारी नहीं दिया गया। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ही नहीं बल्कि किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश पाल ने भी अभय कुमार सिंह को पद से हटाने की मांग की है। न्यूज 11 भारत के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि संगठन की कमजोरी की वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी व्यक्ति विशेष को कब्जा दिलाया जा रहा है। पार्टी का नीतिगत आधार पर कोई काम नहीं चल रहा। यहाँ तक कि भावी जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में किसी को सही सलामत कोई ड्यूटी नहीं दी गई। मुझको जो है स्टार प्रचारक जरूर बनाया गया, लेकिन पार्टी प्रदेश कार्यालय के तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। इस बारे में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त होने के कारण उनसे प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के खिलाफ ये नाराजगी कोई आज की नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी बुनियाद पड़ गई थी। चुनाव में 6 सीटों पर पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद संगठनात्मक कमजोरी की तरफ पार्टी के पुराने पदाधिकारियों ने नजर दौड़ाया और ये कंक्लूजन निकाला कि पार्टी का वर्तमान प्रदेश नेतृत्व ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज, न्यूज 11 भारत, रांची।